चित्तौड़गढ़ के प्रताप सेतु मार्ग स्थित प्राचीन खंडेश्वर महादेव मंदिर में बीती रात चोरों ने दानपात्र पर हाथ साफ कर दिया। चोर हजारों की नकदी ले उड़े हैं। नवरात्रा के बाद चोरों को भनक थी कि दानपात्र में काफी नकदी चढ़ावे के रूप में आई होगी, उसी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार सवेरे मंदिर का पुजारी 4 बजे उठा तो मंदिर का गेट का ताला टूटा हुआ था और दानपात्र के ताले तोड़कर उसमें से नकदी गायब मिली। इसकी सूचना उन्होंने तुरंत मंदिर मंडल के अध्यक्ष को दी। सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि करीब 15,000 की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। इससे पहले भी मंदिर में भी 3 से 4 बार चोरी हो चुकी है। प्राचीन खंडेश्वर महादेव मंदिर में निर्माण कार्य अभी जारी है। ऐसे में जब शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने दानपात्र को तोड़ने वाले औजार को गेट से ही बरामद कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मंदिर के पुजारी और क्षेत्र के लोगों का कहना है कि लगातार मंदिर में चोरी की वारदातें होती है, लेकिन पुलिस एक भी बार किसी भी वारदात का खुलासा नहीं कर पाई है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर भी संदेह जताया। ऐसे में मेरे को कुछ भी नहीं पता कि इसके अंदर कितने थे क्या नहीं थे। मैं जब मंदिर खोलने के लिए गेट खोला तो ताले यहाँ पर पड़े हुए मेरे को मिले। एक ताला यहाँ पर गले के यहाँ, एक ताला यहाँ पर पेड़ के यहाँ पर, उसके बाद एक गैती भी यहाँ पर रखी हुई थी। मैंने चंद्रे जी को फोन किया, उन्होंने पुलिस वालों को फोन किया। यहाँ पहले 2 बार हुई थी, अभी 4-5 साल बाद वापस हुई है। कितने की नकदी होगी अभी? ये हर 15 दिन में निकलता है, 15-20 जो भी भक्तों के ऊपर है, क्या भंडारा निकलता है नवरात्रि में। 10,000 से ऊपर ही होगा।